ये बताइए, हम लोग गाड़ी पीछे नहीं होता क्या होता? हम लोग तो गाड़ी पीछे थे, यही तो ना। कम से कम आखिरी समय तो देख लें अपने औलाद को, मतलब मिट्टी में उनको शामिल होने का इजाजत दी जाए। नाना नाना मौसा जी के ऊपर को अलग से अभी नहीं पहुँचे, क्या नहीं दिया गया उनको बॉडी? नहीं दिया गया। बदनाम कर दे तो बात अलग है। तो रहम करना चाहिए कि भाई उनके माँ बाप को भेज देना चाहिए कि भाई आखिरी दीदार कर ले, फिर तो नहीं आने वाला, तो जो होना तो हो गया, अपने ही मन का उन्होंने किया, किसी की तो नहीं सुना। अब उनको भेजना चाहिए कि भाई एक आखिरी दीदार करवा दे, भाई दूध बकसना है, माँ का दूध पीता है, बच्चा इतनी मुश्किल से पलता है, आप लोग भी बाप होंगे, बच्चे वाले होंगे, औलाद वाले होंगे, मैं भी एक माँ हूँ, मुझे भी पता है कि औलाद की दर्द क्या होता है। जब हम पराए हो के मुझे इतनी तकलीफ है कि मैं रात भर सो ही नहीं, बहुत लाड़ प्यार से पाला, हर आदमी पालता है, जब हमको इतनी तकलीफ, हम मोहल्ले वाले हैं तो वो उनके तो खुद के माँ बाप, उनको कितनी तकलीफ होगी, एक बार दीदार तो करवा दीजिए उनको बस। जाजा से मिट्टी उतरती है, बाप की जाजा से मिट्टी उतरती है, तो कफन जब दफन होते हैं तो बच्चे लोग माँ बाप की जाजा से होते हैं, अच्छा, और उसके बाद माँ दूध बखसती है तब जाके बच्चे माफ होते हैं। हैं, माँ बाप को बिल्कुल आना चाहिए, उसके चचा को आना चाहिए, उसके भाई को आना चाहिए। आप लोग कोशिश करिए पूरे कि सब लोग लेके आइए यहाँ पर, माँ बाप को बहुत ज़रूरी है आना, इस जगह पे आना बहुत ज़रूरी है, बच्चे हैं भाई, माँ बाप इतनी टाइम तड़प रहे हैं, हम लोग मोहल्ले को होकर तड़प रहे हैं, वो तो माँ बाप है, उनके दिल से पूछिए आप किस तरह से बेचारे तड़पते होंगे, कितनी बहुत दुलारा था, बहुत प्यारा था अपने माँ बाप का वो, अच्छा। इसके लिए हम आप लोग से माफ़ी चाहते हैं कि आप लोग उनको आप लाइए, लाने की आप बिल्कुल कोशिश करिए, माँ बाप सबको, भाई को।